की ओर चले जाए। अब तेरी ब्राह्मण भिक्षा मांगे खातिर जब चललेन अपने घरे से जात जात जब कुछ दूर गईलेन भैया तो रास्ते में एक खून के खोपड़ी मिलल तो वो खोपड़ी के देखलेन तो होत कावा अरे रही हमें खोपड़ी भिखारी पितर पाई हो अरे पढ़ने लागे पंडित जी के माथा चक्का जब वो खोपड़ी के पहले तो खोपड़ी पे कुछ ऐसा लिखल रहल कि जब पढ़े तो पंडित जी का है माथा लगल घूमे लगल खोपड़ी के ले के घरे चले अलन भिक्षा का मंगाई न कैलन आई के बाबू सोचत हन कि ऐसे रख तो गड़बड़ हो जाई वो खोपड़ी के ओखर में डाल के मुसर मुसर लगन कूटे जब लगन कूटे कूट के ओके चुरमा बना देलन एकदम कूट देलन तो कुछ चुरमा बनेलन तक करत का है अब
देखल जाई ब्रह्मा के सहुरवाना। जब वो कूट के पुड़िया ओकर बांधत रहे ते हर पंडित के एक लड़की रहल आई तक हता बाबू आज तू भिक्षा भिक्षा मांगे ना गईला और ये तू का बांधत बाड़ा। तो पंडित जी सोचलन कि हम एके का बताई कहलन कुछ बहाने कही दे। तो बहाना यही कहलन कि बिटिया ये हम पुड़िया बनावत थी कभो पेट जैसे दर्द करेला तो यही खाए जाला। धीरे धीरे समय बीतल दो चार दिन तो एक दिन भइल का अवंतरस खोपड़ी पे ऐसा कुछ लिखा रहा कि पंडित अपने बिटियों के नहीं बताए लेकिन हम बतावत ही उनकर मन ही मन दिल कूथता। उ खोपड़ी पे लिखा रहल कि एक लाल पैदा करूंगा और तीन जान मारूंगा। लेकिन कैसे मारे जब खोपड़ी उ चूरन बना के रख लेन ये तो पंडित सोचत हैं कि अगर कौनो एक खा ले हाँ तो बड़ा गड़बड़ हो जाये। कूथत हैं बाबू अंदर ही अंदर दिल एकदम मायूस भइल बा। लेकिन एक दिन यार पंडित के लड़की के लगल पेट पिराए तो के वो याद आ गई कि बाबू हमार चूरन बनाए के रखे रहे बनाए के रख के चला गए भिक्षा मांगे। लगल ओकर पेट दुखाए तो सोचे लगल कि एक दिन बाबू चूरन बनावत रहे तब हम उनसे पूछे रहे तो कहन कि जब पेट पिरा ला तो यह फाका निहल जला। तो भल भैंस कैलेश का अवंतर खोपड़ी के जाए के जब पेट दुखाए लगल तो सोचे एक पुड़िया हम ले के फाका मार ले। बाबू कह रहे पेट पटाई जाई गई बाबू निकाले से एक पुड़िया और रुके पानी के संगे मार ले लेन। जब ये बात पंडित जी भिक्षा मांग के आए तब बतौलस कि बाबू ए बाबू हाउ जोन चुरनमा बनाए रहा ना आज हमारे इतना पेट दुखात रहा इतना जबर कि हम चुरनवा खाए तो हमार पेटवा पटाई गवा। अरे बाप रे बाप पंडित माथे हाथ धैलन के अरे बाप रे बाप अब का करी ये तो चूरन खाई गए। तब भइल का कुवारी बाला के पैदा भइले एक लाल हो अरे से
करने लगी बाला लाल के बिसा। जब खाई ले तो कुछ दिन बीतल ओकर पेट लगल बढ़े बढ़े लागल। धीरे धीरे समय बीतल तो वही के पेट से खेल लड़का का अवतार हो गया। जब अवतार भइल तो हर लाज के मारे उ सेवा हुआ तो कैलिन खूब दो चार दस दिना, लेकिन जब समाज के अंदर जाए तो समाज उनके ताना मारे, पंडितों के ताना मारे, उन भिक्षा मांगे जाए तो जाए कहा। तबले बाबू होत का बा वही नगर के एक राजा रहले जेकर नाम रहल भुवाल। उन सोचलन कि वही से शादी कर ली। जब शादी कई के अले तो जब उनके पता चल गई कि इनकर चाल ठीक ना बा, तो उस समय होत का बाबा टेरी से और ये देखिए शिवम केक एंड बेकर्स ग्राम पकलोर के धरती से भैया भैया के तरफ से ऑफर वा के अगर केहू के घरे जन्मदिन रही तो भैया से जरूर संपर्क करिहा। अगर आप लोग फोन करिहा तो 20 मिनट में आपके घरे पहुंचे। तू चला जावा इनकर मुंह देखा चला जाए। अब लोहत का बा अब जैसन जुरवाना। ए बाबू ओही नगर के राजा एक रानी से शादी कैले बाबू तो होत का बा ओही नगर के एक माझी रहल भैया उ कैलेस का। अरे माझी एक मीना लाया राजा के पुकारी, अरे ले लो राजा मीना मेरा मैं बड़ा भीखा। और ये देखिए सम्मानित माता फिर ग्राम
PWD ग्राम जमोहर बाजार PWD हमारे प्रधान जी के समधी जी की ओर से एक रुपए का पुरस्कार। चलो मैं कोर्ट को नमन करती हूँ, आशीर्वाद की आकांक्षा। ये देखिए हमारी छोटी मुन्नी की ओर से बहुत सारे रुपए का पुरस्कार। माई भगवती करे लाई तू हमारे खाते ले जा, हम लोग तो जल्दी दे इतना नहीं नहीं एकदम एकदम ये हमारे खातिर आशीर्वाद है। हम गवैया ना उसका आशीर्वाद के लगे ला। ए भैया चलो मैं कोर्ट को नमन करती हूँ प्रधान जी के समधि जी के। एहर कहानी के गौर करें आप लोग। वही नगर के एक राज माझी रहल जाके बाबू जब नदी से मछरी मार के ले आई तो मछरी बड़ी सुघर रहल। ओकरे घरे खाए के दाना ना रहल तो सोचल कि राजा बड़ा अच्छे दिल कबाड़े अगर ये मछरी ले जावे तो राजा खरीद ले हैं कुछ पैसा दे दी तो हमरे घरे का राशन आई जाए हमारा लड़का खाई पी ले है। लेके आई आवाज दिलिस बाबू के राजन राजन ए राजन ए राजन ए राजन हमारी है मछरिया खरीदे ला राजन। हमरे घरे दुदू मुन्नू बाड़े राजन लेकिन खाए के को तिनका। राजा बहुत अच्छे दिल के रहल बाबू बड़ा प्यार से जब ओकर बात सुनेल राजा तो एकदम करेजा दुखित हो गए कि बाप रे बाप हमारे प्रजा में इतना भूखमरी। तुरंत उस मछरी को खरीद लिए। मछरी खरीद के एक नाद रहल भैया वही नदिया में डाल दिहेन। जब डाल दिहेन तो रानी के बोलन कि रानी ए रानी आवा आवा देखा कितना सुघर ये मछरी बा। जब रानी आईन तो गजब हो गई तेरी से और ये देखे हमारे प्रधान जी की सबसे बड़ी वाली बहन जी ग्राम बिठौली की पान भूमि से हमारी बड़ी बुआ के ओर से 51 रुपए का पुरस्कार। चरणों में कोर्ट को नमन बा। एहर होत का बाबू डा तेरी से हसल भर पुरवा मर गए मानो खा करके। जब रानी के बोलौलिन रानी अइलिन रानी जब अइलिन भैया धा राज जौरा धा पाट धीरे धीरे बहुत चर्चा हो गई बहुत बड़े बड़े राजाओं के घर सब जुटन राजा की हाँ लेकिन बाबू केहू बताए नहीं पाए से। जब केहू बताए ना पौलस भैया तो होत कब पंडित यहाँ जो लड़िकवा रहल चुरनवा से पैदा भर रहल देखा था कि राजा के नगरिया में रोज जाता है सब आदमी रोज ही भीड़ बा। तो एक दिन वो अपने ननवा से पूछस जो पंडित रहले कि नन्ना
नन्ना आखिर एक बात पूछी बतैबा। नन्ना कहन पूछा नाती तो लड़का पूछले कि नन्ना अच्छा ही बतावा का बात बा कि राजा के घरे बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा सब जात बा और प्रजा भी जात बा। तो पंडित कहन के नाती तू का करवा जान के तोहरे लायक काम नहीं बा। तो लड़का कह नहीं नन्ना तू बतावा बतावा ऐसा न हो कि हम जाए के बताई दे आधा राजा पाठ जाए। तब नन्ना कहलन कि ऐसन बा कि राजा एक मछरी लिहे रहन उ मछरी जब रानी के देखल तो दुई बार हसल और तीसरे बार पटक के मर गई। ओहे मरे का कारण पूछत थे राजा। तो लड़का का सही नन्ना इतना ही बात तो ऐसन बनना हम हो के जाए देता जाए तो नन्ना हो सके कि भागई जागी जाए। नन्ना कहन कि तू लड़का है जाने के न सुने के का करब तू हा जाए के। तो लड़का कहे नन्ना एक दिया मौका तो दे के देखा कम से कम छोट है तो का भवा कम से कम राजा के आगे अपन बात रखे के मौका तो मिले। नन्ना कहन ना मनबे तू कहे ना नन्ना कहन ना मनबे कहे एकदम ना। नन्ना कहन जो जब आइल तवाज लेस की राजन ए राजन हमहू से सवाल पूछा हम तोरे सवाल का जवाब दे अगर ना दे तो तोहर जवन इच्छा करी तो हम संगे कर लिया अगर दे दे तो तोहके आधा राज्य और पाट देवे के पड़ी। तब इधर और ये देखिए हमारे कौशलेंद्र कुमार निषाद और देखिए बड़े भैया कौशलेंद्र कुमार निषाद निषाद विधानसभा अध्यक्ष निषाद पार्टी विधानसभा अध्यक्ष निषाद पार्टी हमारे हंडिया प्रयागराज की पावन भूमि से 551 रुपए दे के सम्मान किया गया। ये हमारे प्रधान जी के नाती हुआ बेचारा बड़ा सहयोग कैले हमारा भाई लेके जिया लाल ए भैया जब पहुंचल तो राजा कहले अच्छा बताओ बेटा चल बताओ जवन दूसरे के देवे राजपाट जे तोई बतावे तो ले जाए। तब लड़का आवाज देलेस का देलेस अरे बोला लड़का राजा लीजे रानी के बुलाई हो अरे भाई अल्लाह पुकारो पर रानी पहुंची जा और ये देखिए हमारे प्रधान जी के सबसे छोटी बहन कस्तूरिया की पावन भूमि से 51 रुपए का पुरस्कार ले बुआ हमरे तरफ से तू फूल की खा ली है बार बार दूध पी ली है दूध मुझे एक बार दे भाई बिरादर हुआ कम से कम देत रहे तो ले लिए होता ना है तो लिया के हम ही के दे दा। ए भैया सुनो मैं कोट को नमन करती हूँ आशीर्वाद की आकांक्षा एहर उन लड़का बतौलस की राजन एक बात कही मनबा रानी एलिन तो लड़का बतौलस की सुना कि रानी के संगे जोन दूठे दासी अपने नैहरवा से लेके आए हैं रानी तो नरवाड़ी और उ दुनाव का है नहरा देखो भैया उ लड़का बतौलस की
रानी तो औरत बाड़ी लेकिन उ दोनों मर्द बाड़े जवन रानी के संगे 24 घंटा रहे ले। राजा कहने लड़के तेरा दिमाग ठीक है, क्या बोल रहा है तू, जे समझ में है तू कहाँ है। लड़का कहस की राजन समझा थी तब तो कह थी, अगर नहीं विश्वास बात तो चेक करा होत का बटे दा टेरिस। अरे बोला ये भैया बोला, बोला ये बाबू बोला, बोला लड़का राजा सुन ले पर लड़का करनावा, बोला बात जैसे हरी पूरा। और हमारे सम्मानित प्रधान जी के वाइफ शीला देवी, पूर्व प्रधान जी, जैसे कि प्रधान जी हो गए तो हमारे प्रधान, पूर्व प्रधान जी का कहना का बाबू, एक से एक रुपए दे के सम्मान किया गया, यह होला माई और बिटिया का, तहा लोग के लकवा मार दिए बका। ए भैया यही होला माई और बिटिया का प्यार, चरणों में कोट को नमन करीला, आशीर्वाद की कामना बाकी बड़ा सम्मान मिलल हमारे प्रधान जी की ओर से। लेकिन भैया इधर जब लड़का बतौले कि ना माना तो इनका लोगन का परीक्षा लेला, अगर हमार बात झूठ निकल जाई तो हमके भाड़ में झुकवा दिहा, अगर सच निकल जाए तो आधा राजा और पाठ देनी है, तब इधर होत का बा। लड़का बतौले तो चेक कैसे होता, राजा सोचे लेकिन का, अरे देखी के बबाला राजा गैले घबराई हो, पारी पारा तीनों जन के नंगा पर लोगन को धोती छुड़वाईला, अगर दू जने मर्द ना निकले तब फिर हमके बारे में राजा के जब इतना सुने तो एकदम दिमाग घूमे लगल करी, बाप रे बाप, रानी इतना बड़ा राज छुपोली, बाबू बीच समाज में दासी का धोती खींच लिहल गई, दू जने तो मर्द निकल गए, एक कई जने नारी, राजा बाप हो गए के बारे रानी, यही रानी बाड़ू कुल पानी उतार लिहू समाज में, यही रहल बाबू राजा रानी के संगे दोनों दासी के तोप से उड़ाए देले, और उतना के आधार राज्य पाट देले। यही हमरे गाना का कहानी रहल कि तीन जा एक लाल पैदा करूंगा तीन जान, उधर पंडित के घरे वो लड़का पैदा भइल जोन के आई के सच्चाई बतौले, ओकरे सच्चाई बताए के अनुसार तीन जने के जान, कहानी समाप्त हुई। आगे गुरु बारे में पहुंचे
चाहिए कि हमरे गाना का जवाब दे दे प्रियंका बहिनी क्यों लड़का रहल के आव आखिरी लाइन सवाल। अरे गा